ओम द बेटल विदिन। जी हाँ दोस्तों, आज ये फिल्म रिलीज हुई है, मैंने ये फिल्म देखी और इस फिल्म को देखने के बाद मेरे क्या रिएक्शन है मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या इस फिल्म की स्टोरी थी, कैसे इसके कॉन्सेप्ट से, और क्या ये फिल्म हर पॉइंट में हिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, और क्या है पब्लिक रिएक्शन, सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये फिल्म कैसे लगी। तो जैसे कि यह फिल्म आज ही रिलीज हुई है, वैसे आज तो दो फिल्में रिलीज हुई हैं, उसका भी मैं कुछ देर में रिव्यू डाल दूंगा इसी चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। बट आज का अभी बात करते हैं ओम द बैटल विदिन। इनफैक्ट इसका तो नाम भी चेंज कर दिया गया, रक्षा कवच कुछ ऐसे ओम ऐसा टाइप का नाम रख दिया गया। और क्यों रखा गया, ताकि थोड़ा राष्ट्रवादी ये सब कनेक्ट कर सके। इसकी फिल्म की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, मतलब ओम जो रहते हैं वो पैरा कमांडो रहते हैं, मतलब आदित्य राय कपूर जो पैरा कमांडो रहते हैं उनको एक मिशन दिया जाता है इंडिया की तरफ से, वो मिशन परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ स्टोरी। देखो मैं स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो भी है मतलब स्टोरी में ही थोड़ा बहुत दम है, वो भी मैं सच कहूँ दम नहीं है, बस ऐसा कर दिया कि सस्पेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है, तो शायद ये फिल्म देखने लायक थोड़ी बहुत है। बात करते हैं इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में। देखिए एक्टर्स, मैं सच बताऊँ ना, आदित्य रॉय कपूर को छोड़ के अगर कितने भी कैरेक्टर्स आप लोगे उनकी बिल्कुल भी कास्टिंग सही नहीं बैठे। इनफैक्ट संजना सांगी जो उनके साथ लीड रोल में उनकी हीरोइन दिख रही है, उनके साथ बिल्कुल भी लव केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है। आशुतोष राणा ठीक लग रहे हैं, जो उनका तो काम हर जगह अच्छा रहता है। जैकी श्रॉफ का एक मैं बात बताऊँ तो पूरा पूरे फिल्म में तो कुछ खास नहीं है, हाँ लास्ट में जाके उनका अच्छा खासा रोल समझ में आ रहा है और अच्छे लग रहे हैं वो, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। देखिए इस फिल्म में एक ही चीज़ है जो उसकी USP है, और वह यह है कि इस फिल्म में एक्शन इतना ज़्यादा अच्छा तरीके से दिखाया गया है, फरमाया गया है। और सच बताऊँ फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो शायद फिल्म पूरे एक्शन सीन अच्छे नहीं है, बट हाँ जितने भी पूरे एक्शन सीन्स आदित्य रॉय कपूर के हैं वह बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द लीग है, मतलब इतने बेहतरीन शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आशिकी टू जैसा बेवड़े वाले, मतलब जो भी है दारू वाले रोल करने के बाद आदित्य रॉय कपूर इतने बढ़िया एक्शन सीन कर सकते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने अपनी बॉडी जो है इतनी अच्छी ही बनाई है, इतनी अच्छी क्या बताऊँ, मतलब इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो एक टाइम पे तो वो ऐसा लगने लगता है टाइगर श्रॉफ विदु जामवाल से बेहतरीन उनकी बॉडी दिख रही है। तो एक्शन सीन्स में मतलब सारे में आदित्य रॉय कपूर ने एक नंबर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इमोशनल जितने भी सीन्स थे बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाई है। देखिए हम बात करें इस फिल्म में कॉमेडी सीन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यह फिल्म एक पूरी सस्पेंस से भरी फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है, एक्शन फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, ये चीज़ें आपको देखने में मिलेगी। बाकी देखिए बहुत ज़्यादा इसने कुछ कमाल या बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित तो नहीं किया, बट इतना है कि क्या हो रहा है ये फिल्म ना काफ़ी ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है, मुझे नहीं पता क्यों बना दी, क्योंकि ना तुम्हें पता एक टाइम पे ना बहुत सारी स्टोरी चल रही है, लाइक ओम को जो है वो देश की रक्षा भी करनी है, इनफैक्ट उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, और देखेंगे तो उसके पापा को अपने सही भी साबित करना है, देन उसके बाद उनकी हीरोइन की एंट्री हो जाती है, और भी काफ़ी काफ़ी स्टोरी एक साथ ही चल रही है आशुतोष राणा के साथ साथ। तो दोस्तों मतलब इस फिल्म को, और वही है कि टाइम से 2 घंटा है, और इतने में इतनी सारी स्टोरी को रन करना और एक ही फ्रेम में पूरा चल रहा है सब चीज़, मैं सच बताऊँ तो वहीं पे शायद ये स्टोरी थोड़ी मार खाई। देखो ठीक है थोड़ा तो ये बनाती है, क्या होता है ना बीच में छोड़ रही है, पकड़ रही है छोड़, मतलब हमारा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इंटरेस्ट है, लोगों का इंगेजमेंट है, वो क्या कर रही है फिल्म थोड़ा सा लेती है फिर उसके बाद एकदम छूट जाता है, फिर एक्शन आते एकदम हम एकदम ना गौर फरमाते हैं फिर उसके बाद फिर छूट जाता है। तो कुछ इस टाइप की स्टोरी पूरी इसकी रही है। बाकी देखो सस्पेंस काफ़ी ठीक ठाक है, लास्ट में जाके अच्छा एक ट्विस्ट मिलता है देखने के लिए, तो मेरे हिसाब से फिल्म देखने लायक है, और इसके एक्शन सीन्स के साथ एक्शन सीन के लिए ही यह फिल्म सिनेमाघरों में देखने लायक। बाकी आप टीवी में देखोगे तो फोन में देखो उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा, बट हाँ अगर आप सिनेमाघरों में इसको देखने जा रहे हो तो आपको एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे, और आदित्य रॉय कपूर से आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाओगे। तो ओवरऑल इस फिल्म को अगर हम देखें तो मैं इसे 10 आउट मतलब लगभग 5.5 या फिर 6/10 में देना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कि मेरे को ये फिल्म नहीं लगी है। अगर कास्टिंग अच्छी होती तो शायद ये फिल्म थोड़ा और अच्छा कर पाती। बाकी ऐसी कुछ फिल्म है आप जाके देख ले सकते हो, अगर चाहो तो देखने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आप चाहे फिल्म देख सकते हो, देख के आओ, और अगर देख लिया है तो बताना कैसी लगी आपको फिल्म, आदित्य रॉय कपूर का काम कैसा लगा और बाकी कास्टिंग कैसी लगी आपको। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।